जय हिंद सभी को, वेलकम टू नेसर ट्यूटोरियल। सो आज इस वीडियो लेक्चर में जो चीज हम देखेंगे वो रहेगा अबाउट द एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन के बारे में डिटेल में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था पॉलिनेशन के बारे में और हमने एजेंसीज के बारे में थोड़ी बहुत बात भी कर ली थी। अब हम उन एजेंसीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइज, हमने ये चीज देखा था दैट देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ एजेंट, दैट इज अबायोटिक एजेंट एंड द बायोटिक एजेंट। मैंने आपको बताया था अबायोटिक एजेंट्स मीन्स क्या होते हैं, विंड एंड वाटर विच मोस्टली इंक्लूड वॉट नॉन लिविंग थिंग्स, एंड बायोटिक एजेंट्स मीन वॉट विच मोस्टली इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स, जैसे बर्ड्स, बैट्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, इनसे जो पॉलिनेशन होता है उसे बायोटिक एजेंसीज कहा जाता है। अब देखते हैं सबसे पहला अबायोटिक एजेंट में जिससे होती है विंड पॉलिनेशन। विंड से अगर पॉलिनेशन होती है तो हम उसे क्या कहते हैं गाइस, एनिमोफिली। ओके, पॉलिनेशन बाय विंड मीन्स एनिमोफिली। हियर द वर्ड एनिमो मीन्स वॉट, विंड, फिली मीन्स वॉट, लविंग। ठीक है, अब देखते हैं इनमें कौन से है जो प्लांट्स है वो इंक्लूड है। इनमें जो प्लांट्स इंक्लूड है वो क्या है गाइस, वीट, राइस, कॉर्न, बार्ली, ओट्स एक्सेट्रा, इसमें राई और बहुत सी चीजें आ जाती है। ठीक है, अब ये विंड से पॉलिनेशन करते हैं, इनमें ऐसा स्पेसिफिक चीज क्या है कि इनका जो पॉलिनेशन होता है वो विंड से ही होता है, इन्होंने अपने आप में ऐसा अडेप्टेशन क्या कर लिया, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स का ये होता है दैट द फ्लावर आर स्मॉल, छोटे होते हैं इनके फ्लावर, इनकन्स्पिशियस, कलरलेस एंड विदाउट नेक्टर। अब जो इनका फ्लावर होता है गाइस वो कैसा होता है, छोटा होता है। इनकन्स्पिशियस मीन्स क्या होता है, दे आर नॉट विजिबल। ओके, कलरलेस होते हैं एंड विदाउट नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस, इनमें फ्रेग्रेंस और नेक्टर नहीं होता। नेक्टर मीन्स क्या, जो फूलों में जो रस होता है वो भी इनमें नहीं होता, ना इन फूलों में खुशबू होती है। क्योंकि रीजन क्या है, देखिए अगर किसी प्लांट में किसी फ्लावर में कलर है, नेक्टर है, फ्रेग्रेंस है, वो क्यों होता है, ताकि वो बर्ड्स और इंसेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके, फिर इंसेक्ट और बर्ड से पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विंड के लिए जरूरत ही नहीं है, ना नेक्टर की जरूरत है, ना कलर की जरूरत है, ना ही फ्रेग्रेंस की जरूरत है, इसीलिए इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। अब पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, लाइट इन वेट क्यों है, क्योंकि हवा जो है वो उन्हें उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चाहिए, इसलिए इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत लाइट इन वेट होते हैं। उसके बाद प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। अब क्यों, ताकि चांसेस हो पॉलिनेशन के बहुत ज्यादा, बट एज वेल एज इसका डिसएडवांटेज ये है कि पोलन ग्रेन का वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होता है। पॉलिनेशन तो हो जाता है लेकिन पोलन ग्रेन का वेस्टेज भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टिग्मा इज फेदरी। अब जो इसका जो स्टिग्मा होता है, इन फ्लावर्स में जो स्टिग्मा होता है जो विंड से पॉलिनेशन करते हैं उनका स्टिग्मा फेदरी होता है। क्यों, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो है वो विंड से पॉलिनेट हो रहे हैं, मतलब वो अभी हवा में है। हवा में होने के बाद में क्या होता है कि ये जो स्टिग्मा रहता है ये भी हवा में ही होता है, ये ऐसे विंड की मदद से हिलते रहते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही वो पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा को आकर टच कर लेगा तो ये जो फेदरी स्टिग्मा होता है ये क्या करेगा, उस पोलन ग्रेन को आकर ट्रैप कर लेगा, उसको पकड़ के रखेंगे, उसको जाने नहीं देंगे, इसीलिए इसका स्टिग्मा कैसा होता है गाइस, फेदरी। ओके, उसके बाद देखते हैं स्टेमन एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड टू एयर एंड फिलामेंट्स आर लॉन्ग। अब इसका जो स्टेमन मतलब मेल पार्ट और स्टिग्मा मतलब जो फीमेल वाला जो एक पोर्शन होता है स्टिग्मा स्टाइलन ओवरी में से, वो कैसे होता है, एक्सपोज्ड टू एयर, मतलब ये आपको हवा में झूलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें आपको स्टेमन और जो फिलामेंट होते हैं वो आपको दिखाई नहीं देते, दे आर नॉट एक्सपोज टू अवर आइज, बट इन केस ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स स्टेमन एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड टू एयर एज वेल एज फिलामेंट्स आर लॉन्ग। फिलामेंट्स आर लॉन्ग मतलब क्या, जो इसमें फिलामेंट और एंथर, स्टेमन वाला जो पार्ट है मेल वाला पार्ट, इसमें जो फिलामेंट होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, इसीलिए क्या होता है कि जो एंथर भी रहेंगे वो भी ज्यादा टॉप पोजिशन पे रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एक फिलामेंट है ये बहुत ज्यादा ऊपर तक गया है तो उसका जो एंथर रहेगा वो उससे भी ऊपर रहेगा। फिर इससे क्या होगा कि अगर हवा आएगी भी तो क्या होगा, वो एंथर के अंदर में जितने भी पोलन ग्रेन्स है उनको एक साथ उड़ाकर लेकर चले जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, अडेप्टेशन इन केस ऑफ द एनिमोफिलस प्लांट। अब देखेंगे हम अडेप्टेशन इन केस ऑफ द हाइड्रोफिलस प्लांट। तो चलो अगर हम देखते हैं पॉलिनेशन बाय वॉटर में, तो पॉलिनेशन बाय वॉटर को गाइज हम कहते हैं क्या, हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली में जो प्लांट्स इंक्लूड होते हैं वो मोस्टली बहुत कम होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 जेनरा में से आपको प्लांट्स मिलेंगे विच आर मोस्टली मोनोकॉट्स, सभी एक्वाटिक मोनोकोटिलेडन्स होते हैं, जिनमें कुछ जो प्लांट्स हैं जैसे वेल्सिनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, फिर हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन वाटर लिली, ये सारे क्या करते हैं गाइस, हाइड्रोफिली करते हैं, मतलब वाटर की मदद से पॉलिनेशन करते हैं। इसमें वेल्सिनेरिया और हाइड्रिला जो है ये क्या है, ये रिवर वाटर में मिल जाएंगे आपको, और जोस्टेरा इसे सी ग्रास भी कहा जाता है, तो ये मोस्टली आपको मरीन में ही मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइड्रोफिलस प्लांट्स के अडेप्टेशन के बारे में, तो इनका जो फ्लावर रहता है, फ्लावर आर स्मॉल एंड इनकन्स्पिशियस। आपको समझ ही आ गए होंगे इनकन्स्पिशियस मतलब क्या, नॉट विजिबल। ओके, उसके बाद फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल। अनवेटेबल मतलब वो गीले नहीं हो सकते। फ्लोरल पार्ट्स जैसे पेरियन, तो मोस्टली जितने भी फ्लोरल पार्ट्स रहते हैं वो कैसे रहते गाइस, अनवेटेबल, गीले नहीं होते। उसके बाद पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड अनवेटेबल। इनके पोलन ग्रेन्स भी कैसे होते हैं, थोड़े बहुत लंबे होते हैं और अनवेटेबल। अनवेटेबल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर में एक म्यूसिलेज की कोटिंग होती है, एक चिपचिपे सब्सटेंस की कोटिंग होती है, उस वजह से इनके पोलन ग्रेन्स गीले नहीं होते। ओके, उसके बाद फ्लावर्स आर विदाउट नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस। सीधी सी बात है, यहाँ पर भी वाटर से पॉलिनेशन हो रहा, तो ना फूलों को रस की जरूरत होती है, ना फूलों को खुशबू की जरूरत होती है, इसीलिए इनमें भी नेक्टर और फ्रेग्रेंस आपको नहीं मिलता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइड्रोफिली की, तो हाइड्रोफिली जो होती है वो दो टाइप की होती है, जिसे हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली। यहाँ पर हाइपोहाइड्रोफिली मीन्स क्या होता है, वेयर द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस अंडर द वाटर सर्फेस, और वही एपीहाइड्रोफिली मीन्स क्या होता है, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस अबव द वाटर सर्फेस, मतलब वो वाटर सर्फेस के ऊपर में ही पॉलिनेशन होगा इन केस ऑफ द एपीहाइड्रोफिली। अभी हम देखते हैं डिटेल में अबाउट द हाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। तो चलो शुरू करते हैं। अभी अगर हम गाइस बात करते हैं हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली की, तो हाइपोहाइड्रोफिली मींस क्या होता है, द पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बिलो द वाटर सर्फेस। यहाँ पर पॉलिनेशन अगर बिलो द वाटर सर्फेस होगा तो क्या होगा कि इसके जो पोलन ग्रेन होंगे दे आर हैवियर। हैवियर क्यों है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स वाटर के अंदर सिंक होना चाहिए। ओके, बिलो द वाटर सर्फेस वो जाना चाहिए, इसीलिए इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैवियर होते हैं। उसके बाद हैवियर पोलन ग्रेन सिंक डाउन एंड गेट कॉट बाय द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। तो फिर होगा क्या कि जो जब नीचे में जो फीमेल फ्लावर है बिलो द वाटर सर्फेस, उसका स्टिग्मा क्या करेगा, उन पोलन ग्रेन्स को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, और क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हाइड्रोफिली में होता है। एग्जांपल क्या है इसका, ज़ोस्टेरा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ज़ोस्टेरा का कॉमन नेम क्या है। ओके, उसके बाद इन ज़ोस्टेरा पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड विदाउट एग्जाइन। ओके, सो इसका जो पोलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है, विदाउट एग्जाइन होता है और रिबन लाइक होता है। ठीक है, उसके बाद एपीहाइड्रोफिली की अगर हम बात करते हैं, तो पॉलिनेशन ऑकर्स ऑन द वाटर सर्फेस, मतलब क्या कि पॉलिनेशन जो होगा वो वाटर सर्फेस के ऊपर में ही होगा। उसके बाद पोलन ग्रेन्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू वाटर, मतलब कि पोलन ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेंगी वो सेम रहेंगी, जिस वजह से वो वाटर के ऊपर में ही फ्लोट करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद पोलन ग्रेन्स फ्लोट्स ऑन द वाटर सर्फेस एंड गेट पॉलिनेटेड। एग्जाम्पल क्या है इसका, वेल्सिनेरिया। अब वेल्सिनेरिया में पॉलिनेशन कैसे होता है गाइस, सबसे पहले चीज, इट इज अ डायशियस प्लांट। डायशियस प्लांट्स मींस क्या होता है कि इसका जो मेल वाला फ्लावर रहेगा और फीमेल वाला फ्लावर रहेगा ये अलग अलग रहेगा, मतलब मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। ठीक है, उसके बाद फीमेल फ्लावर रीचेस द वाटर सर्फेस टू एंश्योर द पॉलिनेशन। अब फीमेल फ्लावर जो होता है इसके पास में गाइस एक स्प्रिंग लाइक मैकेनिज्म होता है। आपको डायग्राम में आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, वहां पर दिख रहा होगा कि फीमेल का जो फ्लावर होता है उसके पास में एक स्प्रिंग लाइक मैकेनिज्म है। इस स्प्रिंग लाइक मैकेनिज्म की मदद से ये क्या करती है, फीमेल फ्लावर वाटर सर्फेस के ऊपर तक चले जाती है, लेकिन टेम्पररली, नॉट परमानेंटली, टेम्पररली ऊपर चले जाती है। और ऊपर में आपको दिखाई दे रहे होंगे जो फीमेल फ्लावर्स फ्लोट कर रहे हैं, ये फीमेल फ्लावर्स क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को शट ऑफ कर देते हैं। पोलन ग्रेन जब शट ऑफ होता है उनके एंथर में से, तो ये पोलन ग्रेन क्या कर लेते हैं, पॉलिनेट कर लेते हैं फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के साथ में। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, पॉलिनेशन इन एपीहाइड्रोफिलस प्लांट। ओके, सो टर्म्स ऑफ पॉलिनेशन एंड मेल फ्लावर फ्लोट्स ऑन द वॉटर सर्फेस। तो कुछ इस तरीके से क्या होती है एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। अभी हम देखते हैं गाइस बायोटिक, अभी देखते हैं बायोटिक एजेंट्स के बारे में। यहाँ पर बायोटिक एजेंट्स में मोस्टली आपको लिविंग थिंग्स मिल जाएंगे, जैसे बैट, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें मिल जाती है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले ही बता दिया था कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, बैट, बर्ड्स को हम क्या कहते हैं करके। अभी एक एक चीज को हम डिटेल में देखते हैं। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, जिसे हम क्या कहते हैं गाइस, एंटेमोफिल। यहाँ पर ब्रेक द वर्ड, अंडरस्टैंड द मीनिंग। एंटेमो मींस व्हाट, इंसेक्ट। फिली मींस व्हाट, लविंग। ओके, अब एंटेमोफिलस में आपको कौन से फ्लावर्स नजर आते हैं, रोज, जैस्मिन, लिली, मोगरा, गेंदा फूल, जो भी है। ठीक है, तो ये सारे प्लांट्स आपको इसमें नजर आते हैं। उसके बाद अडेप्टेशन की बात करें तो क्या होता है, दे आर लार्ज, ब्राइट एंड हैव अट्रैक्टिव कलर। यहां पर
अभी देखो हमने विंड और वाटर में देखा था उनके जो फ्लावर्स थे वो कैसे थे, स्मॉल थे, लेकिन वही यहाँ पर अगर आप देखो तो इनके फ्लावर कैसे लार्ज, मतलब बिल्कुल अपोजिट है. ओके, लार्ज हैव ब्राइट एंड अट्रैक्टिव कलर, बहुत अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते ताकि वो इंसेक्ट को अपने तरफ में बुला सके. उसके बाद फ्लावर्स आर विथ नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस, फ्लावर्स कैसे होते हैं, उनके पास में फूलों का रस होता है और उनमें बहुत अच्छी खुशबू भी होती है. उसके बाद स्टिग्मा इज रफ एंड स्टिकी, स्टिग्मा कैसा होता है, बहुत स्टिकी होता है, बहुत रफ होता है. क्यों? ताकि अगर एक बार पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गया तो वो उसे चिपक के रहता है, हवा से उड़ नहीं जाता. ठीक है, उसके बाद पोलन ग्रेन आर स्पाइनी एंड सराउंडेड बाय पोलन किट. पोलन ग्रेन स्पाइनी क्यों होते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, पोलन ग्रेन स्पाइनी इसीलिए होते हैं ताकि वो इंसेक्ट के बॉडी को चिपक कर रह सके. समझ में आ गया, इसलिए जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पाइनी होते हैं. उसके बाद एंड सराउंडेड बाय पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या होती है गाइस, ये पोलन ग्रेन के सराउंडिंग में आपको येल्लो येल्लो कलर की एक कवरिंग मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोलन किट कहते हैं, आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, उसके बाद सम फ्लावर्स हैव स्पेशल अडैप्टेशन कॉल्ड एज द लीवर मैकेनिज्म. गाइस कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके पास में लीवर मैकेनिज्म होता है. ये लीवर मैकेनिज्म मोस्टली आपको सेल्विया में दिखाई देता है, जिसमें एक फर्टाइल एंथरलोब होता है और दूसरा एक स्टराइल एंथरलोब होता है और दोनों एक कनेक्टिव की मदद से कनेक्ट रहते हैं. अब ये क्या है, चलो देखते हैं. अभी गाइस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर में एक इमेज दिखाई दे रही होगी, इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है फ्लावर है वो है क्या, सेल्विया. सेल्विया में जो पॉलिनेशन होता है गाइस वो होता है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, जिसमें मोस्टली बीज रहते हैं, बी की मदद से होता है. यहाँ पर जो सेल्विया का फ्लावर होता है ये बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल फ्लावर्स मीन्स क्या होते हैं, जिनमें मेल और फीमेल आपको एक ही फ्लावर में नजर आएंगे. बट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस प्लांट का ये है दैट दे आर प्रोटैंड्रस. प्रोटैंड्रस मीन्स क्या होता है गाइस, कि इसमें मेल वाला पार्ट जो रहेगा वो पहले फर्टाइल होगा और फीमेल वाला पार्ट बाद में फर्टाइल होगा. मतलब स्टेमन विल फर्टाइल फर्स्ट, स्टेमन जो रहेगा वो पहले मेच्योर होगा और जो गायनोशियम वाला पार्ट रहेगा वो बाद में मैच्योर होगा. अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपको दो टाइप के एंथरलोब मिलते हैं, एक होता है फर्टाइल एंथरलोब और दूसरा होता है स्टराइल एंथरलोब. और दोनों एंथरलोब जो होते हैं गाइस वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिव. ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इमेज में दिखाई दे रहा होगा. अब क्या होगा कि समझिए, एक जो बी है, एक मधुमक्खी है, अगर उस फूल का रस रस के लिए आती है तो वो क्या करेगी कि जैसे ही एंटर करेगी उस फूल के अंदर में तो वो स्टराइल एंथरलोब को क्या कर लेगी, पुश करेगी. पुश करने से क्या होगा, जो ऊपर का जो लूप है फर्टाइल एंथरलोब वो नीचे आ जाएगा. ठीक है, फर्टाइल एंथरलोब जैसे ही नीचे आ जाएगा तो वो इंसेक्ट के बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा. जैसे ही वो इंसेक्ट के बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो वो एंथरलोब है, एंथरलोब के अंदर में क्या होता है गाइस, पोलन ग्रेन. वो पोलन ग्रेन इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर में डस्ट हो जाएंगे, वहां पर वो चिपक जाएंगे पोलन ग्रेन. फिर क्या होगा कि यही इंसेक्ट विजिट करेगा ऐसे फ्लावर को जिसका गायनोशियम वाला पार्ट मैच्योर हो चुका है. इसी फ्लावर के गायनोशियम वाला पार्ट जो पार्ट है वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया, मतलब जो स्टिग्मा वाला पार्ट रहेगा. फिर क्या करेगा, ये इंसेक्ट जैसे उस फ्लावर के अंदर जाएगा तो इसके बॉडी पर जो पोलन ग्रेन चिपक गए है वो क्या करेगा, उनको ट्रांसफर कर देगा किसके ऊपर में, स्टिग्मा के ऊपर में. और इस तरह से क्या होगा, पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन. तो कुछ इस तरीके से आपको लीवर मैकेनिज्म दिखाई देता है इन केस ऑफ सेल्विया. ओके, सो ये था अबाउट द पॉलिनेशन इन एंटेमोफिलस प्लांट. अभी नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्निथोफिली एंड कायरप्टेरोफिली के बारे में. ऑर्निथोफिली मीन्स क्या, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स. वही कायरप्टेरोफिली मतलब क्या, पॉलिनेशन बाय बैट्स. ओके, अब यहां पर ऑर्निथोफिली में जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज हैव थिक एंड फ्लैशी फ्लोरल पार्ट्स. जो इनके जो फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट्स मीन्स क्या, जैसे इनके पेटल्स रहेंगे, करोला रहेगा, वो कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा मोटा रहेगा, थिक रहेगा. ओके, उसके बाद करोला इज ट्यूबुलर और फनल शेप्ड. जो करोला रहेगा गाइस, आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा जो करोला वो कैसा है, इनका फनल शेप, मतलब जो जितने भी पेटल्स रहेंगे ये क्या करेंगे, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी. ठीक है, क्यों, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल हमिंग बर्ड जो होती है उसकी जो चोच होती है वो थोड़ी बहुत बड़ी होती है, तो वो चोच बराबर उस फनल के अंदर जाना चाहिए, तो उस हिसाब से ये जो फ्लावर्स होते हैं अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद दे हैव ब्राइट कलर नेक्टर बट लैक फ्रेग्रेंस. उनके पास में ब्राइट कलर भी होता है, उनके पास में फूलों का रस भी होता है, लेकिन उनमें फ्रेग्रेंस नहीं होती है. क्यों, बिकॉज बर्ड हैव पुअर सेंस ऑफ स्मेल. ओके, इसीलिए उनके पास में जो फ्लावर्स होते हैं दे लैक फ्रेग्रेंस. ओके, उसके बाद पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी. स्टिकी
पोलर रिंग्स जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं ताकि वो बर्ड की जो बॉडी उसे चिपक जाए, फिर जब बर्ड कहीं और प्लांट पर जाती है तो वो उन पोलर रिंग्स को पॉलिनेट कर सके। ओके, उसके बाद एग्जांपल है जिन ट्रीज पे होता है वो है बॉम्बैक्स और ब्यूटिया। इन ये कुछ ट्रीज है जिनकी मदद से बर्ड्स पॉलिनेट करती है। फॉर एग्जाम्पल जो बर्ड्स है वो कौन सी है, हमिंग बर्ड होगी, बुलबुल होगी। ये जो बर्ड्स रहती है ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कायरप्टेरोफिली में, तो उनमें जो आ जाते हैं वो होते हैं सारे बैट्स। अभी आपको तो पता है बैट के बारे में, कोरोना वायरस बैट को पूरी तरह से बदनाम कर दिया बैट को उसके लिए। उसके बाद फ्लावर्स आर लार्ज विथ डल कलर एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। जो फ्लावर रहेंगे इनके भी जो फ्लावर्स रहेंगे वो काफी बड़े रहेंगे। उसके बाद दे हैव डल कलर, डल कलर मीन्स जो कलर रहेंगे वो ज्यादा ब्राइट नहीं रहेगा, मोस्टली व्हाइट कलर रह सकता है, कुछ इस तरीके के फ्लावर्स आपको मिलेंगे। एंड हैव स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, जो फ्रेग्रेंस वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस मतलब कैसे होते हैं, पंजेंट स्मेल, एकदम जो खट्टी खुशबू जिसे हम बोलते हैं ना, कुछ इस तरीके की खुशबू उनकी होगी। उसके बाद सीक्रेट अबंडेंट नेक्टर, सीक्रेट अबंडेंट नेक्टर मतलब इनमें जो फूलों का रस रंग वो बहुत ज्यादा होगा। और फ्लावर्स आर नॉक्चुरल, नॉक्चुरल मीन्स क्या, ऐसे फ्लावर्स जो रात में ही खिलते हैं। ओके, उसके बाद फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन। यहाँ पर जो भी फ्लावर्स रहेंगे, यहाँ पर इन फ्लावर्स के पास में बहुत सारे स्टेमेन रहते हैं, बहुत सारे स्टेमेन होने की वजह से ये क्या करेंगे, बहुत सारे एंथर हो, बहुत सारे एंथर है तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स भी वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल है इनका एंथोसिफेलस एंड एडेंसवुड। ठीक है, तो ये था गाइस अबाउट द अबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन के बारे में।